अवैध खनन के विरुद्ध प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने भी भ्रमण करके कई क्षेत्रों का जायजा लिया। पुलिस चौकी सुनारी अंतर्गत खनिज रेत के उत्खनन स्थल कल्याणपुर, दबारसनी, लमकाना, अंडोरा आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्थान पुलिस और खनिज अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा, अवैध खनन के प्रति उनको लगातार सक्रिय होकर कार्रवाई करना है। लमकाना में रेत खनन यानी कि उत्खनन के लिए बनाए गए नदी पहुंच मार्ग को गड्ढा खोदकर बंद कराए जाने के निर्देश दिए, जिससे यहां से अवैध परिवहन पर लगे अंकुश। अवैध उत्खनन पर राजस्व, खनिज, पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही। खनिज अधिकारी ने बताया कि ग्राम पपरेडू में जांच के दौरान लगभग 60 घनमीटर खनिज रेत का अवैध भंडारण और ग्राम दबारसनी में 3 पनडुब्बियां और लगभग 250 घनमीटर खनिज का रेत का अवैध भंडारण होना पाया गया। इस पर खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और करैरा थाने में FIR दर्ज की गई। ये पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में कल्याणपुर और डबरासानी में कार्रवाई की गई है, जहां अवैध रेत की 3 पनडुब्बियां और अवैध रूप से संग्रहित की गई रेत को जब्त किया गया है और इसमें अपराध पाए जाने से FIR दर्ज करके विवेचना में ले ली गई है।